लगा के रखा दिल के साथ लगा के काम से पहले पाक लगा के बस इतना कह मेरा ये शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये सुबह है जश्न आज़ादी की सुबह। हम अल्लाह का शुक्र जितना भी करें वो कम है, क्योंकि हम एक आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। और यहाँ मैं दे रही थी अपने पौधों को पानी। ये पौधे मैंने घर में ग्रो किए हैं, और इसके बाद ये मैं थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं बाहर लगवा दूँगी, पर बारिशों की वजह से मैं अभी नहीं लगवा सकी। इस ऐसा करने का मकसद ये है कि आई वॉन्ट ग्रीन पाकिस्तान। हम अपने घर को तो डेकोरेट करते हैं, अगर हम अपने मुल्क को डेकोरेट करना चाहें तो ये सबसे बेस्ट वे है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर्स जो है वो शो कर रही थी अपनी मेहंदी, काफ़ी अच्छा कलर आया था पर मैं नहीं लगा सकी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम थे। हमने आज सेलिब्रेशन करनी थी और घर में बहुत ज़्यादा काम थे, मेहमान आने वाले थे, हमें केक भी कट करना था। और ये है मेरा ड्रेस। अच्छा, इन इवेंट्स की हमें तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, चाहे आप घर में ही क्यों ना रहें, और बेहतर है घर में ही सेलिब्रेट की जाए। जी जनाब, केक हो गया है कट, और अब हम कर रहे हैं लंच। लंच में हमारे पास है बीफ बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रही थी कि ये दिन ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि इससे आपको आपकी आज़ादी का एहसास होता है। आप जैसे चाहे सेलिब्रेट करें, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में रहा जाए, क्योंकि बाहर जो सड़कों पर साइलेंसर निकली हुई बाइक्स और बाजे होते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है, आप जैसे सेलिब्रेट करें। अच्छा, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि घर में मेहमान थे, मैं यहाँ करूँगी व्लॉग को एंड। ओहो, मैं आपसे जो बात कह रही थी वो ये थी, सड़कों से नहीं बैठ सकते। अच्छा, यहाँ मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।